पेड़ों से छनकर आती सुबह की धूप की किरणों को बनी अपने कैमरे में कैद कर रहा था। पिछले साल फोटोग्राफी के लिए जब उसे अवार्ड मिला था, तब से उसने इसी को अपना करियर बना लिया था। जंगल, झाड़ी, बीहड़, नदी, तालाब, खंडर, किला, किसी जगह को नहीं छोड़ा था उसने। एक अच्छे शॉट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। फोटो लेते लेते उसके कैमरे के सामने एक लड़की आ जाती है। वो कैमरा हटाती हुई, हेलो, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा कैमरा कुछ अच्छे नजारों की तलाश में कहीं भी चले जाते हैं। कैमरा मतलब? तुम कैमरा नहीं जानती? ये होता है कैमरा। इससे हम अच्छी यादों को हमेशा संजो सकते हैं। इसमें यादों को कैसे घुसाते हैं? उस लड़की की हरकतों को देखकर बनी को जोर से हंसी आ जाती है। वो उसके हाथ से कैमरा लेकर जंगल का फोटो खींच कर दिखाता है। देखो, ऐसे रखते हैं इसमें यादें। अरे वाह, तुम्हें और कौन कौन सी यादें चाहिए? कुछ हटकर, जो अभी तक मैंने और दुनिया ने ना देखी हो। मैं एक जगह जानती हूँ, चलोगे मेरे साथ? पक्का? कुछ हटकर मिलेगा? हाँ ठीक है, चलो। बनी अपना कैमरा लेकर उस लड़की के साथ चल देता है। वो लड़की उसे खूबसूरत वादियों के नजारे दिखाती हुई नदी पार कराकर एक गांव में ले आती है। उस गांव में घर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खंडहर ही होते हैं। ये कैसी जगह है? हम लोग ऐसे ही रहते हैं, वो सामने वाला घर मेरा है। और वो हाथ पकड़कर उसे अपने खंडहर में ले जाती है। बनी को वो सिर्फ एक खंडहर दिखता है जहां से उसे कोई नजर नहीं आता, पर लड़की बड़ी उत्सुकता से उसे बताती रहती है, ये मेरी माँ है, ये मेरी दीदी है, और बगल वाला खंडहर मेरी मौसी जी का है। मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या? अरे इतने सारे लोग तो हैं, कितनी पुरानी पुरानी कारीगरी की हुई शिल्प है, ध्यान से देखो। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा एक काम करो, कैमरा निकाल लो, उससे शायद दिख जाए। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सब लोग परेशान हो जाएंगे, चुप हो जाओ, तुम अपने कैमरे से देखो ना। उस वक्त तो अंधेरे खंडर में हल्की लाल रोशनी होती है और एक डरावनी आवाज आती है। ये सुनकर तो बनी की डर से हालत खराब हो जाती है। अब उसे सब दिखने लगता है, आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। ये कौन हल्ला मचा रहा? हमारे सोने के समय में कौन आ गया? मैं हूँ अम्मा, देखो एक मेहमान लाई हूँ। तू एक इंसान लाई है? तू एक जिंदा इंसान को लेकर आई है हमारी दुनिया में? अम्मा चलो हम मुखिया को बताते हैं, हमारी दुनिया में एक इंसान खुद चलकर आया है। भूतनी बनी के पास आती है, उसको अपने बड़े बड़े नाखूनों से छूने की कोशिश करती है। बनी बहुत डरा रहता है, वो भूतनी से खुद को बचाते बचाते पीछे बढ़ता है। वो किसी चीज से टकरा जाता है, उसका कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है और वो खुद पीछे गिर जाता है।
उतने लोगों में सिर्फ जिस लड़की के साथ वो आया था वही एक नॉर्मल लग रही थी। तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? मुझे बाबू वापस जाना है। तुम्हें यादें चाहिए थी ना, अच्छी अच्छी यादें संजो लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं जिंदा बच गया तो बहुत यादें बना लूंगा। प्लीज मुझे वापस छोड़ो, प्लीज। तुम डर क्यों रहे हो? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज। अम्मा, मुखिया को बताएं या हम लोग ही रख लें। यह मानव शरीर 1 महीना पुराना हो गया। इस इंसान को हम लोग ही रख लेते हैं। उस लड़की को बनी की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। उसने उसे बाहर निकालने का सोचा। अम्मा, इसे मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकर आई हूँ, पर अगर तुम कहोगी तो मैं इसकी तरह कई लोगों को ला दूंगी। जो यहाँ एक बार आ गया वो दोबारा नहीं जाएगा। अरे अम्मा, मेरी मानो तो, आज भी मैं लाई हूँ ना, बाद में भी मैं ही ला दूंगी। अच्छा, अब हम जाते हैं। कहकर वो झटके से बने का हाथ पकड़कर वहां से बाहर भाग गई। बहुत दूर लगातार दौड़ने के बाद तुम गौरव, तुम सच में मुझे बचाना चाहती हो या अकेले एक जिंदा इंसान के मजे लेना चाहती हो? पहले सांस तो ले लो। नहीं, पहले बताओ तुम भी चुड़ैल हो क्या? वो मेरी माँ और बहन है जिसे तुम चुड़ैल बोल रहे हो। और तुम? मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। वाह, चुड़ैल को मैं चुड़ैल भी ना बोलूं, और तुम चुड़ैलों के बीच में कर क्या रही हो? बहुत साल पहले 2 गांव के आपसी झगड़ों में लोगों ने एक दूसरे को मारकर पूरा गांव खत्म कर दिया था। ये मेरा दूसरा जन्म है, पर मेरी यादें पिछले जन्म की मेरे मन से मिटी नहीं। तो मैं अपना गांव देखने आई थी, और फिर इन लोगों की हालत देखकर मैं यहीं रह गई। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जो सच था वो मैंने बता दिया, पर बस इतना याद रखना, इस जंगल में और इस गांव में कभी मत आना। मुझे नहीं पता थी कि अच्छी यादों को संजोने में जान भी जाने का खतरा होता है। आज तो मैंने बचा लिया, पर आगे तुम ध्यान रखना। इतना कहकर वो लड़की चली जाती है, और बनी अपने मन में उठे सवालों को दबाते हुए उल्टे पांव वहां से दौड़कर भाग जाता है।